नमस्कार दोस्तों, प्राचीन काल से ही ज्योतिषियों ने राशि रत्नों का तीव्र सकारात्मक प्रभाव जान लिया था। आपकी जन्म राशि और उपयुक्त रत्न के बीच में एक गहरा संबंध होता है। सही रत्न आपकी बहुत सारी समस्याओं को सुलझा सकता है और जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इसलिए आज आपकी सुविधा के लिए मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि शनि के रत्न नीलम यानी कि ब्लू सफायर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लग्न राशि वालों को नीलम धारण करना चाहिए, दूसरा नीलम धारण करने के लाभ, तीसरा नीलम रत्न धारण करने का विधि विधान और सावधानियां। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक फौरन से फौरन पहुंचती रहे। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें और अन्य लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाने के लिए शेयर करें। तो मैं कह रहा था, नीलम शनि ग्रह का रत्न है, इसलिए शनि ग्रह संबंधी सभी विशेषताएं इस रत्न में विद्यमान होती हैं। यह एक बहुत ही प्रभावशाली रत्न है। शनि ग्रह के बुरे प्रभाव और पीड़ा को शांत करने के लिए नीलम को धारण करने की सलाह दी जाती है। कहते हैं कि अगर नीलम किसी को रास आ जाए तो उसके वारे न्यारे कर देता है। नीलम सभी रत्नों में मात्र ऐसा रत्न है जो अपना प्रभाव और कुप्रभाव अत्यंत शीघ्र दिखाता है। नीलम धारण करने के लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर ही असर दिखना शुरू हो जाता है। नीलम की इन्हीं शक्तियों के कारण ज्योतिष के जानकार सलाह देते हैं कि इस रत्न को धारण करने से पहले इसकी जांच जरूर कर लें कि यह आपके लिए अनुकूल है या नहीं। कौन से लग्न राशि वालों को नीलम धारण करना चाहिए? मकर एवं कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए नीलम सदा लाभकारी होता है। मेष, वृषभ और तुला लग्न वाले अगर नीलम को धारण करते हैं तो उनका भाग्योदय होता है। शनि की साढ़ी सती में नीलम धारण करना लाभ दे सकता है। इसी तरह से शनि की दशा और अंतरदशा में भी नीलम धारण करना लाभदायी हो सकता है। नीलम धारण करने के लाभ, यह धन धान्य सुख संपत्ति बुद्धि बल यश आयु और कुल की वृद्धि करता है। माना जाता है कि नीलम धारण करने से ज्ञान तथा धैर्य की वृद्धि होती है। नीलम जीवन में अनुशासन तथा विनम्रता पैदा करता है। राजनेताओं और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए नीलम बहुत लाभकारी माना जाता है। कहा जाता है कि वे जनता से ज्यादा अच्छे से जुड़ सकते हैं और उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता भी बढ़ती है। लंबी बीमारी और बुढ़ापा को जल्दी बुलाने वाली बीमारियां जैसे कमर दर्द, हड्डियां, आर्थराइटिस, घुटनों, दांतों और दमा की परेशानियों से ग्रस्त रोगियों के लिए नीलम फायदेमंद हो सकता है। कहा जाता है कि नीला पुखराज पहनने से चर्म रोग और प्लेग जैसी बीमारियों से निजात मिलती है। शनि से प्रभावित अन्य रोगों और परेशानियों में भी नीलम या नीला पुखराज धारण करने की सलाह दी जाती है। नीलम रत्न धारण करने का विधि विधान, यदि आप भी नीलम धारण करना चाहते हैं तो एक अच्छे नीलम का चुनाव करें जो 3 से 6 कैरेट का हो और उसे स्वर्ण या 5 धातु की अंगूठी में लगवाएं। किसी शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को सूर्य उदय के पश्चात अंगूठी की प्राण प्रतिष्ठा करें। इसके लिए अंगूठी को सबसे पहले गंगाजल, दूध, केसर और शहद के घोल में 15 से 20 मिनट तक डालकर रखें। फिर नहाने के बाद किसी भी मंदिर में शनि देव के नाम की 5 अगरबत्ती जलाएं। अब अंगूठी को घोल से निकालकर गंगाजल से धो लें और उसके पश्चात 11 बार
भगवान शनि के मंत्र का जाप करते हुए अंगूठी को शिव के चरणों में रख दें और प्रार्थना करें, हे शनि देव, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपका प्रतिनिधि रत्न धारण करता हूँ, कृपया मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और ऐसा करने के पश्चात मध्यमा उंगली में नीलम को धारण कर लें। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको नीलम के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। हमारा अगला वीडियो है मोती यानी कि पर्ल। दोस्तों, अगर आप भी अपनी राशि के अनुसार रत्नों को धारण करना चाहते हैं और आप इन्हें ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं और घर बैठे रत्न प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आप भी अपनी कुंडली दिखाकर हमसे उपयुक्त रत्न के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमसे फोन करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट भी जरूर देखें। मित्रों, हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप करें और सब्सक्राइब भी करें।